अगर आपने अभी तक यूनिवर्स टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायन, आप देख रहे हैं यूनिवर्स टेक्निकल। यूनिवर्स टेक्निकल पे आज मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब के जो नए रूल्स आए हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे नए जो यूट्यूबर्स हैं या सभी जो यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ी बहुत आसानी मिलेगी, जो जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन देने, जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हैं उनको देने के लिए आज का जो है ये एपिसोड है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे जो गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके जो है पार्टिसिपेट कर लीजिए। प्राइस में है एक रेडमी 3S प्राइम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों YouTube की तरफ से जो नए कुछ रूल्स निकल के आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले है हम लोग उसी के बारे में जान लेते हैं। आपका चैनल कुछ कोई भी चैनल हो, मतलब कुछ भी, लाइफ टाइम व्यू अगर आपका 10,000 से कम है दोस्तों तो आपका मोनेटाइजेशन जो है रहेगा, पर आपके वीडियोस पे जो है एड्स बिल्कुल नहीं आएंगे दोस्तों। मतलब सपोज आपने लास्ट ईयर नवंबर में या सितंबर में या किसी भी टाइम 2016-15 किसी भी टाइम अगर आपने चैनल क्रिएट किया है और अब तक आपके अगर 10,000 व्यू कंप्लीट नहीं हुए हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब सपोज आपके अगर व्यू हैं अभी 6,899, तो अगर आपके अभी तक 10,000 व्यू कंप्लीट नहीं है दोस्तों तो आपके वीडियोज पे जो है एड्स नहीं आएंगे, ठीक है। यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया, बहुत लोगों की ये जो क्वेश्चन है, यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया? देखिए यूट्यूब ने ऐसा इसलिए किया कि जब YouTube की कंडीशन के तहत जब आपके 10,000 व्यू कंप्लीट होंगे दोस्तों, उसके बाद जो है आपको YouTube के पास परमिशन लेनी होगी कि मतलब बोलना होगा कि मेरा 10,000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, आपको एक अप्रूवल के लिए एक मेल या एक डॉक्यूमेंट को जो है YouTube ने डिसाइड किया है उसको फिलअप करके देना होगा, YouTube को बोलना होगा मेरे 10,000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे वीडियो पे एड्स जो है डालने शुरू कीजिए। YouTube फिर उस चैनल को जिस दिन से वो स्टार्ट हुआ है और अब तक उसने जो जो वीडियोस छोड़ा है उन सभी को जो है एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद जो है यूट्यूब अगर कोई भी गलती देखता है आपके चैनल पे तो मोनेटाइजेशन तो गया। अगर आपका चैनल ठीक है, आप गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, कोई भी इनलीगल कॉन्टेंट पोस्ट नहीं करते, कॉपीराइट नहीं है, तो ठीक है, फिर आपको मोनेटाइजेशन जो है मिल जाएगा और आपके वीडियोस पे दोबारा से एड्स आने शुरू हो जाएंगे। नए यूट्यूबर्स का क्या, जो अब YouTube चैनल क्रिएट कर रहे हैं उनको मोनेटाइजेशन का जो अप्रूव है उनको मिलेगा ही नहीं अभी, मतलब जब तक वो अपने 10,000 व्यू कंप्लीट नहीं करते हैं दोस्तों तो उनको अभी जो है मोनेटाइजेशन मिलेगा ही नहीं, मतलब वो अप्रूविंग मतलब उनके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। पहले तो आप चैनल क्रिएट करो, 10,000 व्यू कंप्लीट करो, उसके बाद जाके जो है आपको मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब को बताना होगा। YouTube फिर से वही उस चैनल को जिस दिन से वो स्टार्ट हुआ है उसके एंड दिन उसने अप्लाई किया है उस दिन तक YouTube पूरा एनालाइज करेगी, देखेगी कि आपके चैनल पे किस तरह के कंटेंट है, किस टाइप का चैनल है आपका, कोई भी अगर मैंने बोला जैसे कि इलीगल कंटेंट या कॉपीराइट कंटेंट आपने पोस्ट किया है कि नहीं, तो ये जो है YouTube एनालाइज करके देखेगी। अगर YouTube को लगता है कि आपका चैनल ओके है तो फिर आपका मोनेटाइजेशन मिल गया, अगर नहीं लगता ओके नहीं है तो आपका चैनल गया। और एक बात जो कल ही YouTube ने अनाउंस की है क्रिएटर्स व्यूअर्स सभी के लिए, कि YouTube बोलता है कि जो चैनल हमारे फिल्टर से निकल जाते हैं, ठीक है, कई सारे चैनल हैं या जो है कॉपीराइट कंटेंट को पोस्ट करते हैं फिर भी YouTube उनको कुछ नहीं करता, मतलब YouTube के फिल्टर से वो निकल जाते हैं, उनके लिए YouTube ने क्रिएटर्स और व्यूअर्स दोनों को बोला है कि एक लिंक दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाने के बाद वहाँ पे आपको अगर कोई भी थंबनेल रिलेटेड हो, चैनल लोगो रिलेटेड हो, टाइटल हो, वीडियो का कंटेंट तो है ही, मतलब छोटी से छोटी बात का भी YouTube अब ख्याल रख रहा है दोस्तों, यहाँ तक कि आप किसी के चैनल का लोगो भी कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो YouTube ने किया है कि इसी तरीके का कोई भी अगर कंटेंट दिखता है आपको कुछ भी, तो उस चैनल जिस चैनल का वो कंटेंट है उसका लिंक और जिसने कॉपी किया है उस चैनल का लिंक दीजिए, देने के बाद YouTube को बोलिए YouTube
24 आवर्स में एक्शन लेगा, कुछ ऐसा सुनने को आ रहा है दोस्तों 24 आवर्स के अंदर। और अगर YouTube को गड़बड़ी दिखती है तो मतलब बचने का कोई चांस नहीं, वो चैनल समझ लीजिए टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, इस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका भी चैनल है आप ऐसे गलत इस्तेमाल करके किसी भी चैनल को फ्लैग कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके चैनल पे भी रिस्क हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यूट्यूब के इस पॉलिसी का भी गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अब मेरी एक कुछ ओपिनियंस जो है इस फैसले के ऊपर मैं वो बताना चाहूँगा। मेरे ख्याल से यूट्यूब ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले मुझे भी लग रहा था कि यार ये क्या कर दिया, 10,000 व्यूज के बाद मोनेटाइजेशन मतलब एनेबल हो, मतलब एनेबल तो है, एड्स आने शुरू होंगे, तब तक हम लोग क्या करेंगे, $2 या $1.5 जमा हो जाते। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है यार, इस दौरान आप कई स्टेजेस से गुजरेंगे। एक तो आपका पेशेंस बढ़ेगा, दूसरा आपका चैनल जब 10,000 व्यू क्रॉस करेगा तब आपके सब्सक्राइबर बेस बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, तब आपके चैनल पे और सारे व्यूज़ आएंगे। अभी जो है आप 10,000 व्यूज़ कंप्लीट करने के लिए हार्ड एंड सोल ट्राई करोगे, बहुत मेहनत करोगे, जिसका फल जो है आपको 10,000 व्यूज़ होने के बाद मिलेगा दोस्तों। जो एकदम रियली क्रिएटर मतलब एक्चुअल क्रिएटर्स जो हैं, और जो बदमाश टाइप जो क्रिएटर्स हैं जो हर समय शॉर्टकट अपनाते हैं, किसी दूसरे का कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं, वो सोच रहे थे कि यार 10,000 व्यूज़ क्या बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, मतलब कंप्लीट कर लेंगे, उनके लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आप कंप्लीट कर भी लेते हैं 10,000 व्यूज़ तो आपको यूट्यूब के पास मोनेटाइजेशन के लिए जो है बोलना होगा। और यूट्यूब अगर एनालाइज करके देखता है कि आपका वीडियो कॉपीराइटेड है या कोई भी इनलीगल वीडियो है तो मोनेटाइजेशन आपको जो है मिल नहीं पाएगा, तो आपका जो काम भी है वो पानी में गया, ठीक है। और मेरी मानिए तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा 10,000 व्यूज़ कंप्लीट करने में, मेरे ही 4.5 से ऊपर हो चुके हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि मैं 2 या 3 महीने के अंदर, शायद 3 महीने भी शायद ना लगे, 2 महीने के अंदर शायद 10,000 व्यूज़ जो है कंप्लीट कर जाऊंगा। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है यूट्यूब और कितनी शक्ति बढ़ता है। और यूट्यूब ने कहा है अगर इससे भी काम ना बना तो वो और भी ज़्यादा कुछ लाने वाला है जो इससे भी डेंजरस हो सकता है दोस्तों। तो मेरी मानिए यूट्यूब को साफ कीजिए, यूट्यूब हमारा एक घर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, हम लोग एक साथ रहते हैं, तो प्लीज़ इस घर को साफ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। तो प्लीज़ यार साफ रखिए इस घर को, ये हमारा घर है और यहाँ पे कोई भी गंदा काम या गंदी वीडियोस कुछ नहीं चलेंगी। तो मुझे लगता है कि मैंने YouTube के इस नए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में जो थोड़ा बहुत नॉलेज आपके साथ शेयर किया तो आप लोग समझ गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।